सीरियल यहाँ पर नथ कृष्णा और गौरी की कहानी में आतंकवादियों की न्यूज़ देखते हैं सारे घर के लोग। बुआ जी का बेटा और बहू कहते हैं हम नकली आतंकवादियों को घर में बुलाकर हंगामा कराते हैं। यहाँ पर दादी बहुत परेशान हैं और होश नहीं आ रहा है उन्हें। डॉक्टर ने बोला है उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। कृष्णा कहती है दादी आप ही तो हो जो मेरा सुनती थी। तभी शिव आ जाता है और कहता है कृष्णा रो मत दादी ठीक हो जाएंगी। मैं हूँ ना तुम्हारे पास मुझसे बताओ क्या बात है। क्योंकि शिव को अकेले में जीत ने कहा है कि कृष्णा बहुत परेशान है दादी बीमार है तो उनसे कहना मैं तुम्हारे पास हूँगा। यहाँ पे गौरी कहती है कि शिव मेरे से दूर चला गया अब मैं क्या करूँ कुछ करना पड़ेगा। और आता है शिव तो गले लग जाता है उसके कहता है मैं आज कृष्णा के पास सोऊंगा। अपना ले जाता है सुपरमैन। और इधर पर गौरी कहती है रुको मैं जा रही हूँ मैं कुछ करूँगी तो मेरा शिव मेरे पास आ जाएगा। और कृष्णा को रोक लेता है जीत हाथ पकड़कर कहता है क्या हो गया क्यों इतनी परेशान हो दादी के कारण तो नहीं हो परेशान कोई और बात है। कृष्णा कहती है इसे बताऊं या ना बताऊं तब तक नकली आतंकवादी घर में घुस आते हैं और घर का दरवाज़ा बंद करते हैं। यहाँ पे उन्हें एक बच्चे की आवाज़ आती है और जैसे ही वह अंदर जाते हैं तो उन्हें शिव दिखता है। शिव अपना सुपरमैन और गाड़ी लिए हुए है उससे पूछता है कौन हो तुम लोग तो नहीं बताते उसे। और पीछे से और भी आतंकवादी आते हैं और शिव से कहते हैं कि हम तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ जीत कृष्णा से पूछता है ये बताओ क्या बात है। वह गौरी के बारे में बताने वाली होती है तभी उसे छाया दिखती है। वह सोचती है कहीं गौरी तो नहीं सुन रही है छिपकर मैं नहीं बताऊंगी इससे कुछ भी। जीत कहता है बताओ मुझे। वह फिर बताने वाली होती है तब तक उसे आवाज़ आ जाती है शिव की। और गौरी और कृष्णा सोचते हैं ये तो शिव की आवाज़ है दौड़ कर जाते हैं।